देवी, मुझे आपसे कुछ कहना है लेकिन मैं कह नहीं सकता हूं, इसलिए ये चिट्ठी पढ़ लीजिए। जो आप कहना चाहते हैं मुझे मालूम है। आपके हर सवाल का जवाब मेरी हां में ही समझिए। लेकिन इसमें सवाल नहीं जवाब लिखा है। अपने सेक्रेटरी को भेज रहा हूं, खबरिया श्याम। क्या लिखा है इस लव लेटर में बताओ ना रूपा? धोखेबाज, चालबाज, जालसाज। क्या? हमें बिल्कुल बेवकूफ बना दिया। ये बना के भगवान भेजता है, मैंने सिर्फ साबित किया। मुझे भगवान ने ये दिन देखने से पहले ही क्यों इस दुनिया से उठा लिया? ये देख अपनी लाडली बहन के लक्षण। चंदा के नाम प्रेम पक्ष। तुम्हारा रमेश, मैं इस रमेश के बच्चे को गोली छोड़ाऊंगा। ये कौन है? कोई भी हो, जब अपना ही दाम खोटा तो परखने वाले का क्या दोष? तुम नहीं जानती माँ, लड़कियां भोली होती है। ये लड़के ही है जो मीठी मीठी बातों में फुसला कर लड़कियों को बरगलाते हैं। लेकिन शायद वो नहीं जानता उसने किसकी बहन पर नजर उठाने की जरूरत की है। 257 चित्रंजन एवेन्यू। लेकिन राजे, जोश में कोई ऐसी ऐसी बात मत कर बैठना। आखिर जवान लड़की का मामला है। जो कुछ मुझे करना है माँ, उसके लिए ना लड़की की परवाह करूंगा, ना इसकी और ना अपने। मिस्टर रमेश यहीं रहते हैं? यहीं है। आप कौन है? उन्हीं से काम है, उन्हीं से बात करूंगा। अरे सुनिए जरा। फिर चंदा, जब हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो वो शादी से कभी इनकार नहीं करें। शादी के बच्चे कौन हो तुम? रमू अरे राजेश, 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 ओ राजेश, रमेश। माँ, क्या है बेटा? जल्दी खुश हो जाओ, देखो कौन आया है। नमस्ते माँ। भगवान, मेरी बेटी के लिए भी इतना ही अच्छा लड़का ढूंढ देता तो। इसीलिए तो मिलते ही पकड़ लाया हूँ। क्या मतलब? मतलब अभी समझाता हूँ। रमू, तुम्हें याद है मेरी एक छोटी सी नन्ही सी बहन मुन्नी? वो मुन्नी एक गुंडा है जो उसे बहका रहा है। छिप छिप के उससे मिलता है, उसे प्रेम पत्र लिखता है। अच्छा, अब मुन्नी उसकी बातों में आ गई है और शादी के सपने देखने लगी है। यू डोंट वरी, ऐसे स्ट्रीट रोमियो से मुझे सख्त नफरत है। मैं इन शौर्य लफंगों को उल्टा टांग के कुड़े लगवाता हूँ और 2 साल के लिए जेल भिजवा देता हूँ। बहुत अच्छे माँ, ये उसे 2 साल के लिए जेल भिजवा देगा और उल्टा टांग के कुड़े लगवाएगा। जो ठीक समझे वो करो, मैं तुम दोनों के लिए चाय ले आती हूँ। क्या जरा जल्दी लाना। क्या बात है यार, रामू तो जरा बैठ में आता हूँ। ठीक है। कहाँ से आ रही है? कॉलेज से। इतनी जल्दी? जरा जल्दी छुट्टी मिल गई। बहुत प्रेम पत्र आने लगे तुम्हें आजकल। अरे पहले देखो तो कौन आया है, पहचानो। अरे क्या हो गया तुम दोनों? ये मुन्नी उर्फ चंदा कुमारी दीक्षित, मेरी छोटी बहन, और ये है मेरे बचपन के दोस्त रमू उर्फ मिस्टर रमेश चंद्र त्रिपाठी। मिलाओ दोनों हाथ। हाथ मिलाओ भैया। कहिए जनाब, उस शोधे लफंगे को उल्टा टांग के कोड़े लगवाने हैं या 2 साल के लिए जेल में भेजना है? शर्मिंदा मत करो राजेश, जो वादा मैंने चंदा से किया है और भी मजबूत हो गया ये जानकर कि वो तुम्हारी बहन है। यानी कि मुझे साला बनाने का प्रोग्राम है। राजेश, माँ क्यों चिल्ला रहा है? ये ले चाय। माँ, तुमने भगवान से ऐसा लड़का मांगा ना, भगवान ने तुम्हारी सुन ली। क्या मतलब? यानी कि रमू वही शख्स है जिसने मेरी बहन को प्रेम पत्र लिखने की जरूरत की। अच्छा, यानी कि रमू और चंदा की शादी। शादी तो तय कर दी, लेकिन कुल जमा पूंजी है ये 4-5 गहने और 2000 रुपए। तो बोला बेटी की शादी कैसे होगी? बोलो कितने रुपया चाहिए शादी के लिए?
मेरा बस चलता तो 30-40 हजार तो जरूर खर्च कर। बस सिर्फ 30-40 हजार। 30-40 हजार मैं इंतजाम करूंगा। कहां से? हिम्मत इंसान, मदद भगवान। बहन की शादी ऐसी धूमधाम से करूंगा कि सारा शहर कहेगा कि राजेश की माँ ने गढ़ा हुआ धन अब निकाला है। शैतान का। अभी जाता हूं। अपने लिए खेलना चाहता हूं। सबको बराबर का चांस है। कोई है जो मेरे साथ खेलेगा? जिमी, जिमी आप अकेले हैं, साथी हाजिर। नया खेल, नई ताश। आपकी ताश आप ही बांटिए। थैंक यू। काटिए। और कितने की लिमिट? फ्लैश में लिमिट के का सवाल, जो दिल में आ चलिए। हाँ या पार। बीस का ब्लाइंड, मेरे भी 20। 40 40। 80 80। बासी कुछ गर्म हो चुकी है, पत्ते देखने चाहिए। दोस्तों क्या मैं आपके करीब खड़ी हो सकती हूँ? शौक से। थैंक यू। रात में भी काला चश्मा लगाती हैं आप? जी। आंख मिलानी हो तो शीशा हटाइए बीच में। आई एम सॉरी। जेबें खाली हो गए और अगर मैं कहूं कि जेबें भर लीजिए। जुए में उधार नहीं। आखिरी हार या आखिरी जीत, अगर इतना ही जोश है तो अंदर आइए। आपको मेरी जरूरत है और मुझे आपकी। आइए। आइए। ये लीजिए अपना नकद। निकालिए ताश और कीजिए खेल शुरू। आपके साथ हार जीत का नहीं,
बल्कि बराबर की बाजी का खेल खेलना चाहता हूँ। और किसी खेल में मुझे दिलचस्पी नहीं है। पैसे की जरूरत है, इसीलिए खेल रहा हूं। ये लो 10,000, 20,000, 40,000, जितनी जरूरत हो ले लीजिए अपनी बहन की शादी के लिए। जी आपको कैसे मालूम? मैंने मालूम किया है। यूं समझ लीजिए कि मैं आपका एक अनजान दोस्त हूं। मैं आपकी सच्चाई, शराफत और ईमानदारी का कायल हो चुका हूं। इसे आप कोई मेरा एहसान मत समझिए। मैं इसके बदले में आपकी थोड़ी सी मदद चाहता हूं। कैसी मदद? सुनिए, दार्जिलिंग में टी प्लांटेशन के एक करोड़पति मालिक सेठ दीनानाथ है। वो बेचारे जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिन रहे हैं। उनका इस दुनिया में एक भतीजे के सिवाय और कोई नहीं, और जिंदगी के आखिरी वक्त वो उस भतीजे से मिलने के लिए बहुत बेचैन है। बड़ा आसान काम है, भतीजे को भेज दीजिए वहां। खुशकिस्मती से कहिए या बदकिस्मती से, वो भतीजा मैं ही। तब तो और भी आसान है, बल्कि ऐसे वक्त है उनके पास रहना आपका फर्ज है। मजबूरी ने फर्ज को रोक दिया है राजेश बाबू। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, मगर वादा कीजिए ये बात आप किसी से नहीं कहेंगे और मुझे मुसीबत से बचाएंगे। देखिए, आपने मुझे दोस्त कहा है और मेरी मदद करना चाहते हैं, तो मुझसे भी जो हो सकेगा मैं जरूर करूंगा। तो फिर सुनिए, मेरे पिताजी गरीब और बेकार थे, हम सब लोग चाचा जी के सहारे पलते थे। वो हमेशा हमें खरी खोटी सुनाया करते थे। एक दिन दौलत और जवानी के घमंड में उन्होंने पिताजी पर हाथ उठा दिया, तो मेरा बचपन नफरत और पागलपन में बदल गया, और पिताजी के अपमान का बदला लेने के लिए मैं चाचा जी को मार रहा था। खैर जाने दीजिए, मैंने हमेशा के लिए वो घर छोड़ दिया और कसम खाई कि जीते जी कभी उस घर में दाखिल ना होगा। माता पिता गुजर गए, लेकिन ना मैंने अपनी कसम तोड़ी न उसूल छुआ। तो फिर आप क्यों अपनी ये कसम तोड़ना चाहते हैं, मुझे वहां भेजना चाहते हैं? ऐसा नहीं है, इस उम्र में उन्होंने अपनी गलती महसूस की है, उनके दिल में ममता जागी है। फिर मेरा भी ये इंसानी फर्ज है कि मैं उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करूं, लेकिन मुझ जैसे नहीं बल्कि आप जैसे शरीफ आदमी के रूप में। वो रवि को देखकर बेहद खुश होंगे। रवि? जी हाँ, जब मैंने घर छोड़ा था तो घर का नाम भी वहीं छोड़ दिया था, और आप लोग मुझे मोती के नाम से जानते हैं। लेकिन नकली के लिए असली बनना कोई आसान काम नहीं है। आपके लिए हर मुश्किल आसान है, अगर उन्होंने मुझे पहचान लिया तो। 10 साल के बच्चे और 28 साल के नौजवान में जमीन आसमान का फर्क होता है राजेश बाबू। मैं आपसे आपके 18 साल पहले की जिंदगी के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। जरूर पूछिए, जिन्हें मुझे शौक नहीं है। आप अपने अंकल को कैसे पुकारते थे, और आपके अंकल आपको कैसे बुलाते थे? जी मैं उन्हें अंकल कहता था, नॉट चाचा, और वो मुझे रवि। और उनकी आदतें, शौक, रहन सहन, मकान, नौकर चाकर? आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, एक एक बात लिख कर दे दूंगा। ये कैसे कीजिए एक बार, आपके बचपन की आदत है? जी हाँ, और अंकल मुझे हमेशा टोका करते थे। तब तो हर मुश्किल आसान हो गई, लेकिन एक मुश्किल रह गई, अगर मेरी मौजूदगी में आपके बीमार अंकल को कुछ हो गया। या तो आप करोड़पति बन जाएंगे या मैं। जी करोड़पति आप ही बनिएगा, मुझे उसका कोई शौक नहीं है। ये लीजिए, अपनी बहन की शादी कीजिए। पधारिए पधारिए पधारिए। सुंदर, बहुत सुंदर, लेकिन राजेश मुझे तुमसे शिकायत है, चंदा तुम्हारी बहन है तो मेरी भी बहन है, इस शुभ कार्य के लिए तुम्हें मुझसे आर्थिक सहायता लेनी चाहिए थी, लेकिन तुमने किसी और से ले ली। अरे राजेश, बहस मत करो माँ, बस इतना जान लो कि भगवान की कृपा से तुम्हारी मनचाही पूरी हो गई है, मैं भी आता हूँ। अजीब लड़का है, आइए आइए। आपकी जानकारी के लिए जो तफसील आपने चाही थी वो इसमें मौजूद है, और साथ में खर्च के रुपए भी। शुक्रिया, लेकिन होशियार रहना,
अगर ये कागजात किसी के हाथ में पड़ गए तो वो जरूर अपने आप को मेरे अंकल का भतीजा साबित कर देगा। आप किसी तरह की चिंता मत कीजिए, आपने मेरे लिए इतना किया है तो मैं भी हर तरह से अपने वचन का पालन करूंगा। आपकी ट्रेन का टाइम हो गया मिस्टर राजेश। रवि कहिए। रवि, रवि, आई मीन रवि। चंदा भैया, माँ से कुछ मत कहना और उनका ख्याल रखना, मुझे अभी एक बहुत जरूरी काम से बाहर जाना पड़ रहा है। वाह भैया वाह, मुझे पराए घर भेजकर तुम खुद कहाँ जा रहे हो? अगले एक भाई के लिए बहन कभी पराई नहीं होती है, इसलिए तो संसार का नियम है कि हर भाई हर बंधन को तोड़कर साल में एक बार बहन से जरूर मिलने आता है राखी बंधवाने के लिए। मैं तेरा भाई हूँ, तू मेरी बहन है, पढ़ाई कैसे जाएगी? नहीं भैया नहीं, तुम मत जाओ। चंदा तू यहाँ खड़ी हुई है? अरे वाह, अरे भैया से क्या बातें हो रही हैं? इस वक्त राजेश राजा दीनानाथ का 18 साल का बिछड़ा हुआ भतीजा रवि बनकर दार्जिलिंग के रास्ते पे जा रहा है और हमें महलों में रहने के रास्ते पे ला रहा है।